आज डॉक्टर्स डे के मौके पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी और झारखंड प्रदेश प्रोफेशनल कांग्रेस के द्वारा सदर अस्पताल और कांग्रेस भवन में डॉक्टर्स को सम्मानित किया गया। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय, कार्यकारी अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, कांग्रेस प्रवक्ता और प्रोफेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष आदित्य विक्रम जायसवाल मौजूद रहे। इस अवसर पर डॉक्टरों का कहना है कि उन्हें खुशी है कि उनके काम को सराहा जा रहा है। वे लोग आगे भी इसी तरह लोगों की मदद करते रहेंगे और जब जब राज्य को उनकी जरूरत होगी वे राज्य की जनता के लिए उपस्थित रहेंगे। एक मैसेज जाना चाहिए, सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और इस बार सदर अस्पताल ने अपनी पहचान बनाई। 300 बेड से सेवा दिया, सेवा किया हम लोगों ने रांची की और बहुत सारे मरीजों की जान बचाकर हम लोगों ने घर भेजा। उदाहरण है पुरुषोत्तम कुमार जो 57 दिन के बाद 25 दिन वेंटिलेटर पर आने के बाद हमारे सदर अस्पताल से ठीक होके गए। अगर वही प्राइवेट हॉस्पिटल में रहते तो कम से कम 30 से 40 लाख खर्च आता। डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थी कोरोना में, मेरा काम था पेशेंट की सेवा जो कर रहे डॉक्टर उनके साथ कोऑर्डिनेट करना और उस काम में मुझे काफ़ी मेहनत करना पड़ा। काफ़ी मरीज़ फ़ोन करते थे दिन भर, उनको ये नहीं मिला वो नहीं, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि जो मैंने मेहनत किया उसका मुझे सम्मान दिया जा रहा है। वहीं सदर अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार ने कहा कि कोरोना काल में जिन डॉक्टरों की मृत्यु हुई है उनके परिजनों के लिए सरकार ठोस कदम उठाए ताकि उन लोगों का घर बेहतर तरीके से चल सके। आप सदर अस्पताल का ही देख सकते हैं कि जहां 300-350 मरीज सिर्फ सदर अस्पताल में थे और गिरसालदार बाबा में भी उसमें भी लगभग 100 केसेज रहते थे और अभी आज की स्थिति में कोई केस नहीं है। तो हम लोगों ने कोविड के बाद जो पोस्ट कोविड OPD भी खोला हुआ है और डॉक्टर अजीत मेरे यहाँ हैं, उन लोगों एक तरह से चार्ज उन्होंने लिया है उसका और कोविड के बाद होने वाले कॉम्प्लिकेशन के लिए भी मेरे यहाँ इंतजाम है। हर तरह की जांच की सुविधा है, सभी दवाइयाँ हैं और अभी अगर कोई तीसरी लहर आती है, उम्मीद नहीं है मुझे कि आएगी वो तीसरी लहर, लेकिन फिर भी अगर आती है तो उसके लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और जो कुछ तैयारी बाकी है वो हम लोग कर रहे हैं, जो 10-15 दिनों में हम लोग पूरी तरह से तैयार। इस अवसर पर सुबोध कांत सहाय ने कहा कि डॉक्टर लोगों की जान बचाते आए हैं और इस कोरोना काल में इन डॉक्टर्स ने लोगों को एक नया जीवन दिया है। समारोह का प्रायोजन करने का प्रयास किया है। हकीकत है कि हम लोग ये बड़े पैमाने पे और कर सकते थे लेकिन जो रिस्ट्रिक्शन है उसमें बहुत ज़्यादा लोगों को बुला नहीं सकते थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो प्रयास प्रोफेशनल कांग्रेस ने किया है, आदित्य जायसवाल ने, हम सब लोग उसमें एक तरह से शामिल हैं इनकी सफलता में और बहुत अच्छा रहा कि आज CA जो चार्टर्ड अकाउंटेंट में भी है साथ और डॉक्टर डे जो कर रही है तो हर तरह के लोग जमा हुए आज कांग्रेस। वहीं झारखंड प्रदेश प्रोफेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष आदित्य विक्रम जायसवाल ने कहा कि भले ही दवा लोगों को ठीक करता है मगर डॉक्टर लोगों को नया जीवन देते हैं। पूरे भारत वर्ष में डॉक्टरों का सम्मान किया जाना चाहिए क्योंकि डॉक्टर्स अपने घरों को छोड़कर उन लोगों की मदद कर रहे हैं जिनकी मदद उनके खुद के परिजन नहीं कर रहे। कार्यक्रम पूरे भारत में हम लोग चला रहे हैं और एक पुरानी कहावत है, दवाई बीमारी ठीक करता है लेकिन डॉक्टर्स इंसान को ठीक करते हैं, मजबूत बनाते हैं। डॉक्टर हमें सिखाते हैं खराब समय में पॉजिटिव और काम और शांत रह के कैसे समृद्ध बने, ठीक हों, स्वस्थ बने। और प्रोफेशनल कांग्रेस आज धन्यवाद करता है, आज देश बच सका इस पेंडेमिक से। अगर डॉक्टर नहीं रहते या डॉक्टर सेल्फलेसली और टायरलेसली वर्क नहीं करते देश नहीं बच सकता था। इसीलिए आज प्रोफेशनल कांग्रेस और प्रदेश कांग्रेस डॉक्टरों को सम्मानित करता है और धन्यवाद करता है और हम केंद्र सरकार से ये भी मांगते हैं कि एक स्पेशल प्रोटेक्शन लॉ लाए ताकि वो और मजबूती से काम कर सके और नेशन के देश के प्रोग्रेस में अपना हाथ लगा सके। न्यूज़ अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।